नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। भाजपा की फ्लोर टेस्ट की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को आज फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कल भोपाल में सुबह से रात तक गहमागहमी देखने को मिली। कल सुबह विधानसभा की कार्यवाही के बाद स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना के नाम पर विधानसभा स्थगित कर दी। कल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, साथ ही सभी 106 बीजेपी विधायकों की राजभवन में परेड भी कराई। वहीं भाजपा द्वारा दाखिल याचिका पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई भी होनी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट मामले की सुनवाई होगी। इसी दरमियान मध्य प्रदेश में सियासी संकट से घिरी कमलनाथ सरकार के लिए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ढाल बन गए। राज्यपाल के आज फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश को स्पीकर ने नजरअंदाज करते हुए सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 22 कांग्रेसी बागी विधायकों में से 6 का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में बहुमत का सियासी गणित भी बदल गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।